बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है यूजेस ऑफ विनेगर फॉर प्लांट्स। सफेद सिरका तकरीबन जो है वो हर घर में अवेलेबल होता है, खानों में इस्तेमाल होता है, सैलड में इस्तेमाल होता है और आम इस्तेमाल की एक चीज है। लेकिन आज हम आपको सिरके का इस्तेमाल इस तरह से बताएंगे कि हम प्लांट्स के लिए किस तरह से इसको जो है वो सिंथेटिक विनेगर को यूज कर सकते हैं, किस तरह से ये हमारे प्लांट्स को फायदा पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में या जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो इस तरह की खुदरो जड़ी बूटियां जो हैं वो प्लांट्स में उगने लग जाती हैं। ये इस तरह की, इनका नुकसान ये होता है कि जो भी फर्टिलाइजर हम ऑफर करते हैं प्लांट को या जो भी मिट्टी होती है, सॉयल होती है, उसकी जो एनर्जी होती है जो प्लांट्स ने लेनी होती है, वो सारी ये खुदरो जड़ी बूटियां जो हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये प्लांट्स को जो है वो सही तरह से उनकी ग्रोथ नहीं होने देती। इसी तरह लॉन्स में या गार्डन्स में भी ऐसे ही होता है कि खुदरो जड़ी बूटियां जो हैं वो उगाती हैं और उनसे जो है वो काफ़ी सारा नुकसान होता है प्लांट्स को और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप भी इन जड़ी बूटियों से और घास फूस से तंग हैं तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो महंगे केमिकल्स और जो है वो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह हम खरीदते हैं, केमिकल्स खरीदते हैं इन जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए, लेकिन ये हमारे लॉन का, हमारे प्लांट्स का पीछा नहीं छोड़ती। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है कि वाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर ये लेना है आपने। एक चाय का चम्मच आपने व्हाइट विनेगर ले लेना है इस तरह से। छोटे चाय के कप में आपने इसको डाल देना है और कप को आपने पानी से भर लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसे जो है वो प्लांट में, पूरे प्लांट में आपने इसे डाल देना है, इन जड़ी बूटियों के ऊपर भी और बाकी के पॉट में भी। तो मिट्टी को और खाद को बगैर नुकसान पहुंचाए जो है, जो एसिटिक एसिड होता है इस विनेगर में, वो इन जड़ी बूटियों को तल्फ कर देगा, इनको खत्म कर देगा और ये 1 से 2 दिन में जो है वो बिल्कुल जड़ों से खत्म हो जाएंगी और आपके प्लांट्स का पीछा छोड़ देंगी। ये बड़ा पॉट है तो इसके लिए जो है वो मैं 2 चम्मच लूंगा, बल्कि 2 कप जो है वो उसमें एक एक चम्मच जिस तरह से हमने इस पॉट में डाला है, इसी तरह से जो है वो 2 कप पानी के इस पॉट में मैं डालूंगा। ये मैंने डाल के रेडी कर लिया है, इसको हम पॉट में इस तरह से फैला के डाल देंगे। और अगर आपके प्लांट के पॉट में जो है वो कीड़ियां आ गई हैं, चींटियां आ गई हैं या कीड़े मकोड़े आ गए हैं और आप उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हाफ बॉटल, ये विनेगर की हाफ बॉटल जो है वो मैंने इसके अंदर डाली है 1 लीटर पानी में। अब मैं क्या करूंगा कि सॉइल के ऊपर जो है इस तरह से आपने स्प्रे कर देना है, इससे जो है वो चींटियां और कीड़े मकोड़े जो है वो भाग जाएंगे और आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर जो है वो आप ये चाहते हैं कि आपके फ्लावर्स जो हैं वो ज्यादा देर तक खुशबूदार रहें और ज्यादा देर तक जो है वो उनमें से फ्रेग्रेंस आती रहे और ज्यादा देर तक वो जो है वो मुरझाएं नहीं, तो आप क्या करेंगे कि 2 खाने के चम्मच इस तरह के सिरका लेंगे, उसे पानी में मिक्स कर लेंगे, मैं डाल के मिक्स कर लेता हूं। 1 खाने का चम्मच जो है वो आप चीनी ले लेंगे, पानी जितना भी हो 1 लीटर तक आप पानी ले लें। इसको मैं इसमें पानी और डालता हूं, अभी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कि चीनी के जर्रे जो है और विनेगर अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए।
चीनी और विनेगर मिक्स करके जो है वो मैंने इस बॉटल में डाल लिया है, स्प्रे बॉटल में। ये आप जो है फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से इसको स्प्रे कर देंगे। जो फ्लावर्स आपके प्लांट्स के ऊपर लगे हों आप उनके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, और जो आपके पास वेस में लगे हों, गुलदान में लगे हों, उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे भी जो है आपके जो प्लांट जो फ्लावर्स आपने अंदर बुके की सूरत में रखे हुए हैं वो ज्यादा देर तक जो है वो फ्रेश रहेंगे। सिरका पौधों पर इस्तेमाल होने वाले जो महंगे केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमें जो है वो उसका खातिरख्वाह फायदा नहीं होता। सिरका इन सब चीजों को जो है वाइप ऑफ कर देगा, आपकी ये सारी जरूरियात सिरके से पूरी हो सकती हैं। ये यूजेस थे जो इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करने थे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।